बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंसान का मकाम फरिश्तों से भी आगे है और ये कैसे है। अगर इस राज को खोल दिया जाए तो एक झगड़ा शुरू हो जाएगा। इंसान चूंकि एक राज है, ये राज जिस पर भी खुला उसने आगे किसी पर नहीं खोला। पहचानो तो मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं हजरत इंसान हूँ, मैं मानिए रहमा हूँ, मैं आलमे फरका हूँ, मैं नातिके करा हूँ। जिससे इंसान की बात शुरू हुई इस कायनात में, तब से झगड़ा शुरू हो गया। जिन्नात, फरिश्ते और फरिश्तों का सरदार इब्लीस, इन सब ने मुखालफत की, लेकिन फरिश्ते बाजी जिसको देखा गया था सुबह अजल, उसका जलवा देखा दिया मैंने। क्योंकि इंसान के अंदर जो ज़ाते जलवा फरमा है, फरिश्तों ने देख ली और सजदा कर दिया, लेकिन इब्लीस को नज़र नहीं आई। इसने बस ज़ाहरी मट्टी का बुत देखा इंसान का, वो इनकार कर बैठा। इंसान, इब्लीस और फरिश्ते इस वाक़े में बड़े राज पोशीदा हैं। अल्लाह पाक की ज़ात ने जिसको ये बात समझा दी कि इंसान कौन है, मतलब एक तरफ इनकार करने वाला था यानी इब्लीस, जिसने इंसान के सिर्फ ज़ाहरी बुत को देखा, और दूसरी तरफ फरिश्ते जिन्होंने इंसान के बातिन को देखा और इसे ही सजदा किया। जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तो जब मैं इसे पूरा बना चकूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। सूरतुल हजर आयत नंबर 29। अब ये राज जो फरिश्तों पर खुला था, अगर इंसानों की दुनिया में किसी पर खुल जाए, जो कि बहुत सारे लोगों पर खुला भी है अल्लाह के हुक्म से, कि असल बात क्या है, कि पहले तो बात डायरेक्ट थी यानी सीधा सीधा अल्लाह को मानना, लेकिन जब बात इनडायरेक्ट हुई तो इब्लीस कंफ्यूज में पड़ गया कि अल्लाह ने फरमाया अब इंसान से होकर मेरी तरफ आना है। कुदरत का अजीब। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।